आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। समावेशी सर्वस्पर्शी विकास से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। इसीलिए 10 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर आजीविका और अवसर तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। 2014 के मुकाबले आज एसटी समुदायों के डेवलपमेंट एक्शन प्लान का बजट 5 गुना है। हमारे जनजातीय समुदायों को मिले 1.5 करोड़ से अधिक शौचालय, 58 लाख से अधिक पीएम आवास, 1.2 करोड़ से ज्यादा पीएम किसान सम्मान लाभार्थी जैसी कई पहलों से जीवन आसान और गरिमापूर्ण हुआ है। 2014 में जहां केवल 123 एकलव्य विद्यालय कार्यशील थे, आज उनकी संख्या 4 गुना बढ़कर यानी 476 हो गई है। आज 30 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को 3,000 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल रही है, जो 2014 की तुलना में 3 गुना है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से स्वास्थ्य और वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा वितरण जैसे निर्णायक कदम से हमारे जनजातीय साथियों के हित सुनिश्चित हुए हैं। वन धन योजना, वन उपज पर MSP में कई गुना बढ़ोतरी, ट्राइफेड के आउटलेट्स और आदि महोत्सव जैसे सशक्त प्लेटफॉर्म से जनजातीय उद्यमिता को मंच उपलब्ध कराने का काम हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय, और आदिवासी नायकों की जीवन गाथा को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण, विकास और विरासत दोनों पर सरकार का ध्यान है। जिन क्षेत्रों में हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष फोकस देने की जरूरत है, वहां पीएम जनमन महाअभियान ये सुनिश्चित कर रहा है योजनाओं का लाभ तेजी से और सैचुरेशन के संकल्प के साथ मिले। इसलिए 63,000 आदिवासी बहुल गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों के लिए 80,000 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज जल, जंगल और जमीन के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के शुभारंभ के गौरवपूर्ण अवसर पर 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। 11,000 परिवार आज अपने पक्के पीएम जनमन आवास में गृह प्रवेश करेंगे। साथ ही 25,000 पीएम जनमन आवासों को मंजूरी दी गई है और 1,16,000 आवास धरती आबा में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जनजातीय बहुल गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र, होस्टल, सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, सिकल सेल रोग की रोकथाम के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस, आश्रम विद्यालयों का उन्नयन, मल्टीपर्पज केंद्र, वन धन विकास केंद्रों को कार्यशील करना आदि योजनाओं की सौगात भी दी जा रही है। आज 449 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन और 1,118 करोड़ रुपए से 25 नए एकलव्य विद्यालयों का शिलान्यास भी हो रहा है। आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 55 करोड़ की लागत से 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम में 65 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन हो रहा है। हमारे जनजातीय समुदायों के जीवन के विविध पहलुओं को छूती मोदी 3.0 की इन समग्र पहलों से हमारे जनजातीय समुदायों की जिंदगी आसान होगी और हमारे जनजातीय भाई बहन विकसित भारत के निर्माण के अहम सहभागी बनेंगे। बधाई आप सभी को, आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियो सज्जनों, चाहे पीएम जनमन कार्यक्रम हो, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हो या ऐसे अन्य अनेक प्रयास, बीते लगभग एक वर्ष में ही 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इन कार्यक्रमों के पीछे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक ही सोच है,
एक ही संकल्प है और एक ही सपना है कि देश के प्रत्येक जनजातीय परिवार और व्यक्ति तक सभी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो, उनके जीवन में खुशहाली हो। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।